गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं इस ब्राउन स्मोकी आई मेकअप लुक का ट्यूटोरियल। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे रेड्स, पिंक्स, ग्रीन्स आई मेकअप शेयर किए हैं, बट आप ही में से किसी ने मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम में बोला कि मुझे कुछ वार्म टोन्स और ब्राउन स्मोकी आई का ट्यूटोरियल भी का वीडियो भी बनाना चाहिए। तो आज मैं इसी का ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इस लुक के साथ न्यूड लिप्स भी कैरी कर सकते हैं, बट आजकल वेडिंग सीजन ऑन है तो वेडिंग सीजन में बोल्ड लिप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसे कि मैंने कैरी किए हैं। अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली न्यूड लिप्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप किस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं, मुझे आपके लिए बनाना बहुत ही अच्छा लगेगा। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले अपने फेस को प्राइम करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ स्मैश बॉक्स का प्राइमर, फोटो फिनिश प्राइमराइजर। काफ़ी अच्छा प्राइमर है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इस प्राइमर को यूज़ कर सकते हैं। मेकअप के अंडरनीथ काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन देता है। और अपने पोर्स को स्मूद आउट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी बेनिफिट का पोर फ्रेशनर। सो मैं प्राइमर को इसी तरीके से सेट होने के लिए छोड़ दूंगी और सबसे पहले आज मैं आई मेकअप करने वाली हूँ, क्योंकि मैं स्मोकी आइज करने वाली हूँ तो मे बी कि मेरा बेस मेकअप जो है थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं पहले आज अपना आई मेकअप करूँगी। और आई शेडो पैलेट जो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है फोका ल्योर का एंडलेस पॉसिबिलिटी पैलेट। काफ़ी अच्छा आई शेडो पैलेट है, मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया है, आज मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। अपनी आईज़ को प्राइम करने के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का पेंट पॉट इन द शेड सॉफ्ट पोकर। काफ़ी अच्छा आई शेडो प्राइमर की तरह काम करता है, ये बिल्कुल स्मूद आउट कर देता है। अगर आपकी आईलिड्स पर फाइन लाइंस हैं और डार्कनेस है तो उसे भी ये अच्छे से कवर कर देता है, तो आज मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। ये प्रोडक्ट थोड़ा सा ड्राई फील होता है, इसलिए मैं इसे अपने फिंगर से ही यूज़ करना पसंद करती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा वार्म हो जाए और मेरी स्किन पर अच्छे से अप्लाई हो सके। और मैं इसे लूज पाउडर से सेट कर लूंगी। तो सबसे पहले मैं पैलेट में से ये कलर ले रही हूँ, इसका नाम है पेनाकोटा और इसे मैंने एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश पर लिया है और इसे मैं अपनी क्रीज से ऊपर ब्लेंड करूंगी ट्रांजिशन कलर की तरह। मैंने सिर्फ एक ही बार कलर पिक किया है और इसकी पिगमेंटेशन इज बॉम्ब। नेक्स्ट मैं पैलेट में से ये रस्ट कलर ले रही हूँ और इसे मैंने एक पॉइंटेड ब्लेंडिंग ब्रश पर लिया है और इस कलर को मैं अपनी क्रीज में ब्लेंड करूंगी ट्रांजिशन कलर से थोड़ा सा नीचे। और सेम कलर को मैं अपने आउटर कॉर्नर्स में भी लगाऊंगी। और अब मैं क्लीन फ्लफी ब्रश ले रही हूँ और इससे दोनों कलर्स के एजेस को ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट मैं ये डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ और इसे मैंने एक छोटे ब्लेंडिंग ब्रश पर लिया है। इसे मैं अपने आईज के कॉर्नर्स में पैक करूंगी। छोटे छोटे स्ट्रोक्स में मैं इसे ब्लेंड करूंगी।
और इस कलर को मैं थोड़ा सा अपनी क्रीज में भी ब्लेंड कर लूंगी। बहुत ज्यादा मैं इसे अपनी क्रीज में नहीं लेके जा रही हूँ। नेक्स्ट मैं पैलेट में से ये ब्लैक कलर ले रही हूँ और इसके लिए मैंने पेंसिल ब्रश का यूज किया है। इसे मैं अपने आईज के एकदम आउटर कॉर्नर्स पर लगाऊंगी। अब स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसे भी ब्लेंड कर दूंगी। अगेन मैं क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और उससे सारे कलर्स को ब्लेंड कर दूंगी आपस में। लिड कलर के लिए मैं अपनी मॉर्फी की 35F पैलेट यूज कर रही हूँ क्योंकि एंडलेस पॉसिबिलिटीज में जो ब्राउन कलर है वो मुझे इस आई लुक के साथ थोड़ा सा कूल लग रहा है, तो मैं अपनी इस पैलेट को यूज करूंगी और इसमें से मैं ये वाला डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ। और इसे मैं अपने फिंगर से ही अप्लाई करूंगी। लाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड लाइनर। सो गाइस, मैंने अपने दोनों आईज कंप्लीट कर लिए हैं और अब मैं क्विकली अपना फेस मेकअप भी कर लूंगी, बट उससे पहले मैं अपनी फॉल आउट जो कि मेरे आई शेडो से हुई है उसको क्लीन करूंगी। फाउंडेशन के लिए मैं यूज करने वाली हूँ लॉरियल के इनफॉलिएबल फाउंडेशन इन द शेड 125 नेचुरल रोज। फाउंडेशन को मैं ब्लेंड करूंगी पैक के फाउंडेशन ब्रश से, इसका नंबर है 252 और ये बहुत ही डेंस ब्रश है, अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर देता है और काफी अच्छी कवरेज भी मिलती है। और कंसीलर के लिए मैं यूज करूंगी एले गर्ल का प्रो कंसील इन द शेड क्रीमी बेज। दिस कलर इज सो क्लोज टू माय स्किन टोन। जहां जहां कुछ पिगमेंटेशन मेरी फाउंडेशन से सी थ्रू है मैं वहाँ भी इसे अप्लाई करूँगी। अपने कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करूँगी। और इससे पहले कि ये कंसीलर क्रीज हो जाए मैं इसे सेट कर लूंगी मेबलिन के फिट मी लूज पाउडर से एंड आई एम यूजिंग द शेड लाइट 15। मैं ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज करूंगी।
लाफ लाइंस पर भी मैं सेट करूंगी। अपने फेस को कंटूर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल ब्रॉन्ज डुओ और मैं यहाँ पर एक एंगुलर ब्लश ब्रश का यूज कर रही हूँ। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ब्लश पैलेट और इसमें से मैं ये पीच कलर लूँगी। और अब इस सारी पाउडरीनेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी अर्बन डिके का ऑल नाइटर स्प्रे। ये आपके मेकअप को फुल डे सेट रखेगा और बिल्कुल भी बच नहीं होने देगा। आईब्रोज के लिए मैं यूज करूंगी बेनिफिट का कारब्राउ इन द शेड नंबर 6 डीप। अब मैं जल्दी से अपना अंडर आई मेकअप भी कंप्लीट कर लूंगी और सबसे पहले मैं प्लम का काजल अप्लाई कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन पर। अब एक पेंसिल ब्रश पर मैं ये डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ जिससे मैंने अपने आउटर कॉर्नर्स को इंटेंसिफाई किया था और इस कलर से मैं अपने काजल को ब्लेंड करूंगी। अब स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश पर मैं ये दोनों ट्रांजिशन कलर ले रही हूँ ट्रांजिशन कलर और क्रीज कलर ले रही हूँ और इसे भी मैं अपने लोअर लैश लाइन के थोड़ा सा पास में ब्लेंड करूंगी। अपने लैशेस को कर्ल करके मैं मस्कारा लगाऊंगी और फॉल्सेस अप्लाई करूंगी। अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं ये गोल्डन कलर ले रही हूँ। और इसी कलर से मैं अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूंगी। लिपस्टिक के लिए मैं यूज करूंगी मेरी करंट फेवरेट मेबलिन की सुपरस्टे मैट इंक इन द शेड ग्लोब ट्रॉटर। और हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ पैक का बिग हाइलाइटर इन द शेड 05। सो गाइज दिस इज द फाइनल लुक। आई होप ये लुक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे दीजिएगा एक बड़ा सा थम्सअप और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
Guys, please subscribe to my channel. It means a lot to me. Thank you so much for watching this video. अगर आपको videos अच्छे लगते हैं तो channel को subscribe करना नहीं भूलिएगा और अपने friends और family के साथ share भी ज़रूर कीजिएगा. आप किस तरह के videos देखना चाहते हैं नीचे comment section में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगी. So guys, मैं चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपने अगले video में. Till then, take care. Bye bye.